करते हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत और बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे सुजाता मैजिकल मोमेंट में। तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हम आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी गाजर का हलवा लेके आए हैं, जो कि गाजर सर्दियों में बड़ी आसानी से मिल जाता है और बिल्कुल इसे हम सिंपल वे में बनाएंगे। ऐसे तो गाजर का हलवा बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, पर हमारे इतना सिंपल वे में बनाएंगे कि जो सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे घर में मौजूद हमेशा होते हैं। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर लिया है, जैसे कि मैंने आगे पीछे का भाग हटा के अच्छे से धो करके इसे ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लिया है। और ये चीनी है 200 ग्राम, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम डालें। और ये कटोरी दूध है, वजन की बात करें तो ये 200 मिलीलीटर होगा। और ये काजू है, और ये किशमिश है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो ले सकते हैं। और ये घी है, जो कि हमें 3 से 4 बड़े चम्मच लगेंगे। गाजर का हलवा तो बहुत तरह से बनाया जाता है, पर मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ जो सामान घर में हमेशा अवेलेबल हो। ये कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। ठंड का मौसम है, घी काफ़ी जमा हुआ है। तो कभी कभी होता है क्या कि हमारे घर खोआ मौजूद होते नहीं है, कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं होते हैं, तो लगता है गाजर हलवा बनाए कैसे। तो ये बहुत ही सिंपल वे है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गाजर डालेंगे। ये बारीक है, जितना क्वान्टिटी है उससे बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो जब भी हलवा बनाएँ घी में ही बनाएँ, क्योंकि तेल में रिफाइंड में हलवा बनता नहीं है अच्छा। तेल में तो बनता ही नहीं है, रिफाइंड में भी वो वाला टेस्ट आता नहीं है। तो आप घी में ही हलवे को बनाएं। तो फ्लेम की बात करें तो ये मीडियम फ्लेम होगा यहाँ पे हमारा, और हमें 10 से 15 मिनट इसे भूनने में लगेंगे। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, पर ये हमारा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट भूनेंगे, तो मिलते हैं 10 मिनट। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। और इसी तरह हम थोड़ा देर देर पर इसे चलाते रहेंगे। सर्दियों में गाजर बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो इसे आप अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, इसकी क्वान्टिटी लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा बचा है और टाइम भी 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो हम इसे अब इस स्टेज पे यहाँ पे दूध डालेंगे। आप इससे थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आगे पीछे भी भून सकते हैं, ये भी 15 मिनट मैंने बोला, तो 15 मिनट ही आप इसे भूने। थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध डाला, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जितना दूध मैंने लिया था उसका हाफ मैंने यहाँ पर पानी डाला है। अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये फुल क्रीम दूध था, पर अगर आपके पास फुल क्रीम दूध अवेलेबल ना हो तो जो सिंपल दूध आते हैं ना घर में, वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ढकेंगे थोड़ी देर के। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा दूध लगभग सूख चुका है। तो इस स्टेज पर हम यहाँ पर चीनी डालेंगे इसमें, हम इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी देने पे ये हलवा थोड़ा सा हमारा पानी छोड़ता है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा देर पे चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश भी करते रहेंगे कि थोड़ा सा गाजर जो है हमारा और स्मूथी हो जाए और पानी भी सूख रहा है। तो इस तरह से आप स्पैचुला की सहायता से इस तरह हल्के हाथों से इसे मसलते भी जाएँ, ये आराम से मैश भी होता है। देख रहे होंगे आप, पानी अब इसका आधा सूख चुका है। तो ये देखिए, हमारा जो चीनी वाला था लगभग सूखने पे है, और हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और 1 ठो काजू और थोड़े से किशमिश रखे इसके गाने से। तो ये देखिए, सारा पानी सूख चुका है और हमारा हलवा की कंसिस्टेंसी, हमारे हलवा भी परफेक्ट आ चुकी है। तो करना क्या है, गैस का ऑफ करेंगे और इसे हम एक अच्छी सी गाने से।
हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी गार्निशिंग भी पूरी हो चुकी है। देख रहे हैं हलवा का कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए फाइनली हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी मैंने गार्निशिंग भी पूरी कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.